हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेलकम लाइफ। तो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ट्रक के अंदर मैं अपना फ़ोन कैसे चार्ज करता हूं। अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है कि बड़ी गाड़ी है यार, बड़ा फ़ोन है और इसे कैसे रिचार्ज करते हैं, तो उसके लिए मैंने एक बढ़िया जो है यहाँ पर चार्जर ख़रीद के रखा है। रोबोटैक्स कंपनी का है और ये मैंने जो लिया था 200 रुपये का, तो हमारी एक दुकान है वहाँ से मैंने लिया था। तो ये किस प्रकार से लगता है बैटरी के अंदर या फिर मेन स्विच के अंदर, वो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। तो कुछ मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। देखिए, ये तो इसमें दे रखे हैं ऑन और ऑफ के दो ऑप्शन। फिर उसके बाद इसमें आप सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आप दो फ़ोन चार्ज कर सकते हो। दो अगर आपके पास डाटा केबल है तो दोनों यहाँ पे लगाइए और इसको जो है रिचार्ज कर सकते हो। और अब बात करता हूँ मैं, ये इसमें जो है दो क्लिप दे रखी है, प्लस एंड माइनस। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इन दो क्लिपों को बैटरी में भी कहीं पर लगा सकते हैं और मेन स्विच के अंदर भी कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको जो है लगा के दिखाते हैं। देखिए, ये पहले मैं आपको क्लिप लगा के दिखाता हूँ, मेन स्विच के अंदर ही दिखा देता हूँ। बैटरी के अंदर, अगर आपको बैटरी के अंदर लगा के दिखाना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो इसके बारे में बता देंगे। प्लस माइनस में जोड़ देना, इससे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। देखिए, ये हमारे गाड़ी के जो ये है हमारा मेन स्विच दिखा देता हूँ आप, ये मेन स्विच है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो बोल्ट दे रखे हैं, ये बैटरी से कनेक्ट होते हैं। एक यहाँ पे लगाया, उसके बाद जो दूसरा है, दूसरे को जो हमें इसी प्रकार से इस बोल्ट के अंदर लगा देना। देखिए, चिंगारी उठी है, क्योंकि करंट जब जाएगा तो चिंगारी ज़रूर उठाइए। आपके हाथ में कोई करंट नहीं लगेगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है। लग गया। अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे नीले कलर की लाइट यहाँ पे जल चुकी है और ये ऑन ऑफ का सिस्टम बटन यहाँ पे दे रखा है। अब ऐसे करेंगे इसको ऐसे, तो अभी ऑन हो गए, धीरे धीरे लाइट बंद हो जाएगी इसकी। और ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऑफ और ऑन, दोनों मैंने बता दिया है। और यहाँ पे इस डाटा केबल को जो है लगा देना है इसमें, इसमें इस डाटा केबल को आपको लगा देना है। ठीक है, ये डाटा केबल लग गया। अब आप अपने फ़ोन को चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया जो है ये प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया चार्ज है। तो इस प्रकार से मैं जो चार्ज करता हूँ अपने फ़ोन को। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।